क्या आप एक डेयरी फार्म बनाने का सपना देख रहे हैं? क्या मेहनत से कमाए हुए धन और समय को डेयरी फार्म में लगाना चाहते हैं? या नियमित स्रोत के रूप में डेयरी फार्मिंग से कमाई करने का सोच रहे हैं? यदि आप YouTube और Facebook पर डेयरी फार्मिंग के वीडियो देखने के बाद उत्साहित होकर उसे शुरू करने के लिए सोच रहे हैं तो ठहर जाइए, क्योंकि 80% लोग डेयरी फार्मिंग में असफल रहते हैं। कारण, भावना और अज्ञानतावश डेयरी फार्मिंग की शुरुआत और साथ ही उसके मूलभूत सिद्धांतों के प्रति अज्ञानता। गौसूत्र आधारित गोपालन करने से मिलने वाले लाभ। 100% पैसा बचाओ, गौसूत्र अपनाओ। सही गोवंश की पसंदगी का ज्ञान प्राप्त कर गलत गोवंश का चयन करने की गलती से बचे। 50% पैसा बचाओ, गौसूत्र अपनाओ। गौसूत्र आधारित गौशाला निर्माण पद्धति द्वारा जरूरत से ज्यादा खर्च करने से बचे। 50% पैसा बचाओ, गौसूत्र अपनाओ। गौसूत्र आधारित वैदिक स्वास्थ्य सुरक्षा पद्धति अपनाकर स्वास्थ्य पर किए जाने वाले खर्च से बचे। दूध का प्रोडक्शन दुगना करना, जी हाँ, और वह भी गौ सुरक्षा पद्धति द्वारा, जैसे कि गौ भावना, प्रतिकारात्मक स्वास्थ्य सुरक्षा, रहने एवं आहार मैनेजमेंट द्वारा। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो सर्वप्रथम डेयरी फार्मिंग संबंधित ज्ञान हासिल करें। गलत कदम उठाने से पहले खुद को और अपनी मेहनत की कमाई को बचाएं। नमस्कार, एक बार फिर से कृष्ण लीला आपका स्वागत करता है। गौसूत्र के रूप में कृष्ण लीला आपके समक्ष लेके आया है हमारी अनुभूत पौराणिक वैदिक धरोहर, गोपालन या डेयरी फार्मिंग के ज्ञान का प्राचीनतम खजाना। गौसूत्र समझने में आसान, सरलता से लागू करने योग्य, कम लागत वाला, व्यावहारिक एवं अनुकूल भी है। गौसूत्र को 16 अध्याय में प्रस्तुत किया गया है। इन 16 अध्यायों में आप जानेंगे वह लुप्त प्राय हो रहे प्राचीनतम मौलिक ज्ञान को, जो न केवल गौ को आनंद प्रदान करता है बल्कि गोपालक व डेयरी फार्मर को भी समृद्ध बनाता है। यह ज्ञान डेयरी उद्योग में कोई भी कदम उठाने से पहले सही प्रश्न पूछने में तथा उचित निर्णय लेने में आपकी सहायता करेगा। साथ ही गौसूत्र उन वर्तमान डेयरी व्यवसायियों को भी प्रेरित करता है कि वह पुनर्विचार करें किस तरह वह प्राचीनतम ज्ञान आधारित सरल, प्राकृतिक एवं कम खर्च वाला दृष्टिकोण अपनाए। आगे आपके लाभार्थ में हर एक अध्याय पर एक एक वीडियो प्रस्तुत किया जाएगा। इसके साथ ही हिंदी और अंग्रेजी में ऑनलाइन वीडियो प्रोग्राम से आप जोड़ सकते हैं, जिसे आप देख सकेंगे कभी भी कहीं भी आपकी अनुकूलता के अनुसार वीडियो के माध्यम से। इस ऑनलाइन वीडियो प्रोग्राम से जुड़ने के लिए YouTube पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक को क्लिक करें। प्राचीन वैदिक ज्ञान आधारित गौसूत्र के 16 अध्यायों में से पहला आत्मदर्शन। डेयरी उद्योग में 80% लोग फेल हो जाते हैं, और क्या आप भी वही गलतियां दोहराने जा रहे हैं जिसके कारण वह फेल हुए? आपकी सफलता के लिए पहले खुद को जाने और अपने सामर्थ्य को पहचाने। उत्साह के आवेश में भावना एवं अज्ञानवश लोग मूल ज्ञान प्राप्त किए बिना डेयरी उद्योग में कूद जाते हैं। कई लोग अपनी नौकरी छोड़ देते हैं, अपनी मेहनत से प्राप्त कमाई का निवेश करते हैं और डेयरी फार्मिंग के ज्ञान की कमी के कारण नुकसान और तनाव झेलते हैं। सर्वप्रथम यह जानना अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि क्या आपका व्यक्तित्व डेयरी फार्म के मैनेजमेंट के लिए योग्य है। क्या आप डेयरी फार्मिंग की चुनौतियां और मांगों से अवगत है? यदि आपका जवाब ना है तो जानिए पंचमुखी दर्शन। कृष्ण लीला आत्मदर्शन के अंतर्गत एक अद्वितीय ज्ञान का अनुभव प्रदान करता है, जो आपको डेयरी फार्मिंग की वास्तविकता के करीब ले जाता है। डेयरी फार्म आरंभ करने से पूर्व अपने चित्त और आत्मा को इन 5 डेयरी फार्मिंग संबंधित ज्ञान का अनुभव प्रदान करें। आइए गौसूत्र के दूसरे अध्याय गौ भावना सूत्र के बारे में जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि गाय से कैसे बात की जाती है? डेयरी फार्मिंग शुरू करने से पहले गाय से बात करना सीखें। जानिए कैसे प्रभावी ढंग से गाय की भावनाओं का अध्ययन किया जाता है, जो कि एक सफल डेयरी फार्म चलाने में अत्यधिक आवश्यक सूत्र होता है। मनुष्य की तरह गाय भी संवेदनशील और प्यार करने वाला जीव है।
डेयरी फार्मिंग को सफल बनाने के लिए उनकी भावनाओं को समझना नितांत आवश्यक है। यदि आप डेयरी फार्मिंग वैदिक तरीके से करना चाहते हो तो यह अध्याय आपके लिए बहुत ही मूल्यवान है, क्योंकि जब तक आप गौ से भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ेंगे तब तक आप प्राकृतिक रूप से कम खर्च में अधिक उत्पादकता प्राप्त नहीं कर सकते। अध्याय 3, गौ परिवार। क्या आप जानते हैं कि आपके डेयरी फार्म के लिए किस प्रकार की गाय सबसे उपयुक्त है? आपकी समृद्धि के लिए भारतीय गोधन रूपी कीमती खजाने को जाने कौन सा भारतीय गोवंश सर्वोत्तम एवं दुधारू है। साथ ही जानिए 5 भारतीय उच्चतम दुधारू गोवंश के बारे में। यह अध्याय निश्चित आपको न केवल अच्छी बल्कि उच्चतम दूध देने वाले गोवंश का चयन करने में सहायक बनेगा। अध्याय 4, सुरभि सप्तगुण। 90% लोग अच्छी नस्ल की गाय का चयन करने में गलती कर बैठते हैं। जानिए अच्छे गोवंश चयन करने की प्राचीन कला एवं विज्ञान, साथ ही उत्तम दुधारू गाय की प्रमुख विशेषताओं को भी पहचानना सीखे। अध्याय 5, गोलोक। यदि आप वैदिक तरीके से गोपालन करना चाहते हो तो यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक खुशहाल, स्वस्थ और फलप्रद वैदिक डेयरी फार्म का निर्माण कैसे करें? मॉडल डेयरी फार्म की विशेषताएं क्या है और किस तरह धरातल पर व्यावहारिक रूप से सरल एवं कम लागत वाले डेयरी फार्म का निर्माण करें? सभी 16 अध्यायों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आपकी इच्छा कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। गौसूत्र के 16 अध्याय पर आधारित ऑनलाइन प्रैक्टिकल प्रोग्राम से जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करें।